मिश्रा एंड स्वागत करती हूँ आपका केयरिंग रेमेडीज पर। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं छोटे बच्चों की खांसी को लेकर के, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कभी कभी बच्चों को अचानक से रात के टाइम पर खांसी आना स्टार्ट हो जाता है और इस वजह से जो बच्चे हैं वो अच्छे से नहीं सो पाते हैं। आज के वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं, तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। लेकिन अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए नीचे। तो दोस्तों, अगर आपके बच्चे को ये खांसी की समस्या हो रही है तो उस टाइम पर आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि आप अपने बच्चे को अगर दूध दे रही हैं तो दूध आपको बच्चे को नॉर्मल या फिर सादा दूध नहीं देना है, या फिर उसमें चीनी भी खाली ऐड करके नहीं पिलाना है बच्चे को। क्योंकि जो सादा दूध होता है या फिर अगर आप चीनी ऐड करके देती हैं बच्चे को, तो वो दूध पीने से कफ जो होता है वो बढ़ता है। तो इसलिए उस टाइम पर आप अगर बच्चे को दूध देना चाहती हैं या नहीं भी आपका बच्चा दूध पी रहा है, तो आप उसको दवाई के तौर पर बच्चे को हल्दी वाला दूध ज़रूर पिलाइए। हल्दी वाला दूध जो होता है वो बहुत फ़ायदा करता है बच्चे के लिए, उसको सर्दी जुकाम बुखार से बहुत जल्दी ठीक करता है बच्चे को। अगर आप अपने बच्चे को उस टाइम पर एक दो बार दिन में दूध देती हैं हल्दी वाला, तो आपके बच्चे को जो सर्दी जुकाम बुखार या खांसी की प्रॉब्लम रहेगी वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगी और आपके बच्चे को रात में अच्छी नींद भी आएगी। आपका बच्चा रात में बार बार उठ के नहीं खांसेगा, उसको अच्छे से नींद आ जाएगी। क्योंकि हल्दी वाला जो दूध होता है उसको हम लोग इसीलिए गोल्डन मिल्क भी कहते हैं, जिसकी क्योंकि उसकी बहुत सारी खासियत है और इसमें बहुत सारे ऐसे पोषक तत्व होते हैं। हल्दी तो हम लोग वैसे सभी जानते हैं कि हल्दी एंटीबैक्टीरियल होती है, हल्दी बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है, बहुत सी बीमारियों का इलाज है हल्दी। लेकिन अगर आप हल्दी वाला दूध बच्चे को दे रहे हैं तो आप कोशिश कीजिए कि मार्केट वाली जो हल्दी होती है वो आप यूज़ मत कीजिए। जो खड़ी हल्दी आती है आप उसको पीस करके अपने घर पर तैयार करिए, जिससे कि आपको ये श्योर रहे कि आप जो हल्दी बच्चे को दे रहे हैं हल्दी वाला दूध वो प्योर है, एकदम शुद्ध है। क्योंकि मार्केट में जो हल्दी पाउडर आता है उसमें कुछ मिलावट रहती है। इसके अलावा जो नेक्स्ट है रेमेडी मेरी, वो है आपके लिए लहसुन। लहसुन बच्चे को खांसी के टाइम पर बहुत फ़ायदा करता है। आप लहसुन का कई तरीके से बच्चे के लिए प्रयोग कर सकते हैं उसकी खांसी को ठीक करने के लिए। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगी कि अगर आपके बच्चे को खांसी हो रही है तो आपको 4 से 5 कली लहसुन का लेना है और उसको छिलके के साथ ही, आपको उसको छीलना नहीं है, आपको छिलके के साथ ही तवे पर अच्छे से भून लेना है। 3 से 4 मिनट लगेगा और लहसुन जो है वो अच्छे से भुन जाएगा। और उसको भूनने के बाद में आपको उसको एक कपड़े में लपेट लेना है, चाहे तो आप किसी रुमाल को ले सकते हैं या फिर आप कॉटन का कोई भी कपड़ा ले सकते हैं। उसमें आप उसको लपेट दीजिए लहसुन की और उसको पोटली बना करके तैयार कर दीजिए। उस पोटली को आप अपने बच्चे को दे दीजिए और उसको बोलिए कि वो थोड़ी थोड़ी देर के बाद उसको सूंघे। ऐसा करने से भी बच्चे का जो कफ होगा सीने में वो भी निकलना स्टार्ट हो जाएगा और जो बच्चे की बंद नाक वगैरह की भी जो प्रॉब्लम रहेगी वो भी दूर होगी। इसके अलावा आप उस पोटली से, क्योंकि उसमें लहसुन जो रहेगा वो थोड़ा सा गर्म रहेगा, तो उस पोटली से आप अपने बच्चे की जो यहाँ पे सीने की है छाती पे, आप उसको सिकाई भी कर सकते हैं धीरे धीरे से, जिसकी वजह से जो कफ है, जो बच्चे की छाती में कफ जमा हो जाता है वो पिघल के और बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से बच्चे को खांसी में बहुत जल्द आराम मिलना स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा नंबर 3 मैं आपको बताती हूँ, जो नंबर 3 टिप्स है वो भी लहसुन का ही है। अगर आपके बच्चे को खांसी हो रही है तो उस टाइम पर आपको लहसुन थोड़ा सा, जो मैंने पहले बताया था जिस तरीके से, आपको उसको भून लेना है और भूनने के बाद में उसका छिलका निकल जाएगा। आपको उसको छिलका निकाल करके उसको महीन बारीक बारीक से एकदम काट लेना है। अगर आपका बच्चा बहुत छोटा है, जैसे कि 1 साल का है या फिर उससे भी छोटा है, तो आप अपने बच्चे को उसका जो रस होता है वो निकाल करके दे सकते हैं। एंड अगर आपका बच्चा 1 साल 2 साल से बड़ा है तो आपका बच्चा उसको काट के, अगर आप बारीक बारीक काट लेंगी और उसमें आप उसको शहद ऐड कर लीजिए, जैसे कि आप 4 से 5 कली अगर लहसुन की ले रही हैं उसको बारीक बारीक काट रही हैं, तो उसमें 1 से 2 चम्मच तक आप उसमें शहद ऐड कर सकती हैं और उसको आप मिला करके कम से कम 4 से 5 दिन 6 दिन के लिए रख भी सकती हैं, वो ख़राब नहीं होता है जल्दी। आप उसको रख लीजिए और सुबह शाम 2 टाइम आप अपने बच्चे को उसको दीजिए। आधा आधा चम्मच आपको अपने बच्चे को देना है। अगर बहुत छोटा बच्चा है और आपने रस उसका निकाला है लहसुन का, उसमें आप अगर शहद को ऐड कर रहे हैं तो आपको दिन में एक ही बार देना है, क्योंकि बहुत छोटे बच्चे के लिए लहसुन बार बार देना सही नहीं है। आप उसको एक ही बार दीजिए। एंड अगर बच्चा बड़ा है तो आप उसको सुबह शाम 2 बार दे सकते हैं। इससे, इस नुस्खे से आपके बच्चे की जो खांसी है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी और बहुत ज़्यादा उसमें टाइम भी नहीं लगेगा।
इसके अलावा बात करते हैं अपने फोर्थ टिप के बारे में। फोर्थ टिप जो है मेरा वो है, आपको तुलसी की पत्ती का रस आपको देना है बच्चे को। बहुत छोटा बच्चा है अगर आपका, तो आप उसको माँ के दूध में मिला करके तुलसी की पत्ती का रस दे सकते हैं, जैसा मैंने पहले भी वीडियो में आपको बताया है। एंड अगर बच्चा थोड़ा सा बड़ा है तो उसको आप तुलसी का काढ़ा बना करके भी दे सकते हैं, या इसके अलावा तुलसी के पत्ते का रस निकाल करके उसमें शहद मिला करके बच्चे को दे सकते हैं। दिन में 2 से 3 बार आप ये चीज़ बच्चे को दे सकते हैं, ये बिल्कुल भी नुकसान नहीं करेगा। और इससे भी बच्चे की सर्दी खांसी जुकाम बिल्कुल ठीक हो जाएगा, उसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तुलसी की जो पत्तियाँ होती हैं वो भी एंटीबैक्टीरियल गुणों से भरपूर होती हैं, तो इसलिए आप इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। अब बात करते हैं अपने 5th टिप के बारे में, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपके बच्चे को खांसी की प्रॉब्लम हो रही है तो आप अपने बच्चे को जब भी नहला रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि आप थोड़ा सा गुनगुने पानी से ही बच्चे को नहलाएं। एंड इसके अलावा आप जो बच्चे को पानी पिला रहे हैं उसमें भी आप ठंडा पानी बिल्कुल भी बच्चे को मत दीजिए, थोड़ा सा ल्यूक वार्म वाटर अपने बच्चे को दीजिए, हल्का गुनगुना पानी, और उसमें आप एक चुटकी नमक, चाहे आप अगर सादा नमक नहीं देना चाहते बच्चे को तो आप सेंधा नमक ऐड करके दे दीजिए, लेकिन थोड़ा सा नमक डाल करके, और दिन में 3 से 4 बार पानी ज़रूर पिलाइए बच्चे को। इससे भी बच्चे की जो खांसी की समस्या है वो ठीक हो जाती है, जो कफ होता है, जो जकड़ा होता है सीना, वो बिल्कुल ठीक हो जाता है, कफ बाहर आ जाता है। और रात के टाइम पर भी आप कोशिश कीजिए कि एक बार बच्चे को थोड़ा सा गुनगुना पानी नमक डाल के पिला दीजिए, उसके बाद ही सुलाइए, जिससे कि बच्चा रात भर आराम से सो सकेगा, बार बार बच्चे को खांसी नहीं आएगी। इसके अलावा बात करते हैं 6th टिप के बारे में, जो कि है अदरक का रस। अदरक का रस भी बच्चे को बहुत फ़ायदा करता है अगर बच्चे को खांसी हो रही है तो। बड़े लोग होते हैं तो अदरक का टुकड़ा मुंह में डाल करके चूस सकते हैं अगर आप बहुत ज़्यादा खांसी आ रही है उस टाइम पर। एंड अगर छोटे बच्चे हैं तो आपको अदरक का रस में थोड़ा सा शहद ऐड करके अपने बच्चे को दे देना चाहिए। 1 चम्मच आपको शहद लेना है और उसमें 1 ही चम्मच आपको अदरक का रस ऐड कर लेना है, और दोनों को मिला करके अपने बच्चे को पेट खिला देना है। ये आपको दिन में 1 बार खिलाना है। अगर आप रात के टाइम खिलाते हैं तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। एंड अगर आप सुबह खिलाना चाहते हैं तो आप सुबह भी खिला सकते हैं, ये नुकसान नहीं करेगा बच्चे को, और इससे भी बच्चे की खांसी पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों, ये थे कुछ मेरे टिप्स जो कि मैंने खुद अपने बच्चों पे फॉलो किए हैं, और इसीलिए मैंने आपके साथ इसको शेयर किया है, क्योंकि मेरे बच्चे को भी ये प्रॉब्लम अक्सर हो जाती थी कि बच्चे को खांसी आती थी, जुकाम होता था, लेकिन अभी मेरे बच्चे तो बड़े हो गए हैं और अभी उनको थोड़ा सा ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब तक वो बहुत छोटे थे तो उनको अक्सर खांसी जुकाम की प्रॉब्लम होती रहती थी, और मैं इन्हीं टिप्स के द्वारा उनको ठीक करती थी बच्चों को। तो इसीलिए मैंने आपके साथ इन सभी टिप्स को आज शेयर किया है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा एंड बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचती रहे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।